हेलो वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। देखिए, टैली प्राइम में एक खास किस्म का वाउचर होता है जिसे हम रिसिप्ट नोट वाउचर कहते हैं। ये आएगा कैसे? देखिए, वाउचर में चले जाइए और अल्ट के साथ आपको F9 प्रेस करना है। अल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे रिसिप्ट नोट वाउचर में। अब यहाँ पर कौन सी एंट्री पास होगी, कैसी एंट्रीज यहाँ पर पास की जाएंगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप किसी दूसरे पार्टी को माल बेचते हैं या देते हैं तो उस कंडीशन में आप माल तो भेज देते हैं लेकिन उसके साथ बिल प्राप्त ना हो, तो ऐसे कंडीशन में रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री पास करके उसको देखा जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी तरह की एक एंट्री पास करते हैं और इसमें आपके इन्वेंट्री में तो इफेक्ट पड़ता है, इन्वेंट्री में तो वो नजर आता है लेकिन आपके अकाउंटिंग में वो नजर नहीं आएगा। तो कैसे होगा ये आइए देखते हैं। तो यहाँ पर डेट डाल देता हूं, 1/4/2017 ये डेट डाल दिया हमने, एंटर प्रेस किया और फिर यहां पर कर देता हूं क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा और ये सारी डिटेल आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूं ब्लैंक, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आता हूं, यहां परचेज अकाउंट आ जाएगा और फिर कौन सा ऐसा आइटम था जो आपको रिसीव हुआ। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड, अब ये देखिए यहां पर एक खास बात है कि यहां पर ट्रैकिंग नंबर अपने आप आ जाता है। अगर आप टैली ERP 9 यूज करेंगे तो वहां ट्रैकिंग आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसी से हम ट्रैक करेंगे इसको। ओके, तो अब एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पर क्वांटिटी की बात करिए तो 50 क्वांटिटी आपको रिसीव हो गई है लेकिन बिल उसका रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए आप इस वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें तो मैंने वैट लगा रखा है तो मैं वैट ही लगा देता हूं यहाँ पे, तो ये वैट लगा दिया, आप GST इसकी जगह लगा सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट ये वैट यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया है। और अब चाहे तो आप वैट लगाइए ना लगाइए इसका कोई मतलब नहीं बनता है, अब ये एक्सेप्ट हो गया। अब आइए एक बार स्टॉक समरी में देख लेते हैं। तो यहां से स्टॉक समरी में चलता हूं और यहां पर हमने क्या लिया था, कीबोर्ड ही लिया था, तो यहां पर एंटर प्रेस करता हूं। तो यहां पर आपको पहले भी एंट्रीज पास कर रखी है तो पूरी डिटेल आ रही है, तो अभी एंटर फिर प्रेस करते हैं और यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक ठो बिल दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, ये दिया हुआ है परचेज बिल्स पेंडिंग, ठीक है, इसी पर हमें जा करके और यहां पर एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि 50 जो आपको रिसीव हुआ था कीबोर्ड, वो बिल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसका बिल नहीं मिला है, आगे चल करके ये बिल मिल जाएगा। तो जो ट्रैक नंबर वहां पे डाला गया था उसी ट्रैक नंबर के जरिए आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहां पर ये पेंडिंग बिल अपने आप शो कर दे रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि इसका क्या मतलब है, रिसिप्ट नोट वाउचर क्यों यूज होता है, अल्ट प्लस F9 शॉर्टकट की होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।